कौशल्य शर्मा है। मैं थाना से ही हूँ और मेरे एक डेढ़ साल से कमर में काफी तकलीफ थी। एक महीने से पैर में बहुत ज्यादा ही तकलीफ थी। मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया, फिर मेरे को डॉक्टर योगेश वैद्य का पता चला तो मैं इनके पास आई। तो इन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ता 10 दिन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भेजा कि तुम पहले वो करवाओ, आराम हो जाएगा, फिर बाद में आना, मेरे को बताना है। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई तो मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर वापस डॉक्टर के पास आके मैंने पूछा तो इन्होंने बोला अपन और कुछ नहीं करेंगे, अभी MRI कराते उससे पता चल जाएगा अपने को क्या तकलीफ है, फिर आगे देखते हैं। तो MRI कराया तो मेरे में कमर में प्रॉब्लम थी, तो बोले आपको ऑपरेशन ही कराना चाहिए, यही सजेस्ट करता हूँ ताकि आपको आगे तकलीफ नहीं होगी जीवन में, फिर उसके बिना कुछ फायदा नहीं है, बढ़े गए तो इसलिए ना सजेस्ट किया। तो फिर मैंने बोला ठीक है हम यही करवाएंगे आपके पास ही, और फिर हमने सर से बात की, यही मैं एडमिट हो गई और अभी मेरा ऑपरेशन हो गया, आज मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर योगेश वैद्य बहुत अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को एकदम तसल्ली दी है, बातचीत की है, अच्छे से ऑपरेशन किया, ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत मेरी बात पूरी तरह से सुनते हैं, अच्छे से संतुष्ट करते हैं, जवाब देके प्यार से बात करते हैं, बहुत तसल्ली देते हैं। उनकी पूरी और डॉक्टर की टीम है वो भी बहुत अच्छी है, उनकी नर्सें और मामा मौसी पूरा स्टाफ सास सफाई सब बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज मैं घर पे जा रही हूँ, मैं डॉक्टर योगेश वैद्य का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सीताराम शर्मा है, मेरे मिसेज के बैक में पेन 1.5 साल से था, फिर हमने डॉक्टर वैद्य साहब से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि भैया आप इनका कराओ उससे ही होएगा, लाइफ लॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब यहाँ एडमिट हुए तो हमने देखा कि यहाँ का जो स्टाफ है, रुचिता मैडम है, अपना रीना मैडम है, इन लोगों से काफी सहयोग मिला हमको, बाकी और भी स्टाफ है, अदर्स जो भी नर्सिंग है डॉक्टर है, और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल की जो साफ सफाई है वो काफी हाईली फर्स्ट क्लास की है, डॉक्टर का स्टाफ सब है, हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि मेरी मिसेज को उन्होंने ठीक कर दिया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।